हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो टी थ्री डिवाइस के अंदर आप यूआई कलर सेटिंग कैसे करें, आप अपने फोन में यूआई कलर सेटिंग कैसे करेंगे, यही सेटिंग यहां पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यूआई कलर से होता है आपने जो सेटिंग के आइकन है उनके कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके कंट्रोल सेंटर में जो छोटे छोटे आइकन आते हैं आप उसका कलर चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन के अंदर जो छोटे छोटे बटन आते हैं उसका जो कलर होता है उसका चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन में जो मैसेज आता है, मैसेज के नीचे में आपको एक छोटा सा वॉलपेपर मिलता है, आप उसका कलर चेंज कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे, यही चीज़ यहाँ पर आपको बताएंगे। चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहां से आपको बताते हैं कि इस तरह से आपको अपने फोन में यूआई कलर सेटिंग करना है। दोस्तों, उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है। तो हम अपने सेटिंग को यहां पे ओपन करेंगे। आप देख रहे हैं जो हमारा सेटिंग यहां पे ओपन हो जाता है और आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर। तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे सेटिंग आ जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूआई कलर। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपका कंट्रोल सेंटर है यहाँ पे शो रहा किस तरह से आ रहा है, यहाँ पे जो आपके कंट्रोल सेंटर के और जो बटन यहाँ पे आ रहे हैं ये सारी चीज़ यहाँ पे आ रहा है। आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं आपका जो यूआई कलर है वो कहाँ पे यूज होगा यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटो दिखा रहा कि कहाँ कहाँ पे यूज होगा। और इसके बाद नीचे आपको मिलता है सिस्टम एंड ऐप यूआई कलर, उसके आगे में छोटा सा बटन है आपको उसको इनेबल कर लेना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे नीचे जो सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे शो होंगे। अभी हम इसको यहाँ पे ऑफ कर दिए हैं तो इसको इनेबल करेंगे फिर से और देख रहे हैं सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाते हैं जो कलर के ऑप्शन है नीचे, तब जाके यहाँ पे शो होंगे। और आपको नीचे आना है और यहाँ पे कलर मैनेज करना। अगर आपको एक ही कलर यूज करना है तो आप यहाँ से इस तरह के कलर को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपको और भी कोई कलर यूज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो दो कलर का सेट है, आप यहाँ पे दो दो कलर यूज कर पाएंगे। अगर आपको तीन कलर यूज करना है तो आपको नीचे वाले में आना है। नीचे वाले में आप देख रहे हैं तीन तीन कलर का सेट है, आप यहाँ पे एक साथ में तीन तीन कलर यूज कर पाएंगे। जो आपके बटन हैं, जो आपके वॉलपेपर हैं, जो आपके छोटे छोटे आइकन आएंगे उसमें अलग अलग कलर यूज होंगे। ये तीनों कलर तीनों जगह यूज होंगे। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको कट करेंगे, अपने सेटिंग को ओपन करते हैं फिर से। जैसे हम अपने सेटिंग को यहाँ पे ओपन करते हैं तो आप देख रहे हैं हमारे जो सेटिंग का आइकन्स है इसका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है, कुछ अलग कलर में आ रहा है। और जो हमारे सेटिंग का वॉलपेपर है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। और अभी आप देखेंगे यहाँ पे इसका भी कलर यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो तीन कलर यहाँ पे यूज हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस आइकन में कुछ और कलर यूज हो रहा है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ब्राइटनेस कम जैसी करने को आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कलर दो कलर यूज हो रहे हैं। इस तरह से आपके फ़ोन में ये कलर यूज होंगे। तो इसी तरह से आप अपने यूआई कलर को मैनेज कर सकते हैं और अपने सेटिंग के जो आइकन्स हैं उनके कलर आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।